और गर्मी का मौसम आते ही आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है और राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित बिजली विभाग के गोदाम में रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार गोदाम में रखे करीब 1500 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए और बताया जा रहा है कि गोदाम में करीब 6000 ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। बिजली विभाग कार्यालय में लगी आग से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। मौके पर रायपुर के SSP संतोष सिंह सहित जिले के और विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी पहुंचे। वहीं रायपुर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने मामले में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जांच और गोदाम को रिहायशी इलाके में हटाने की मांग की है। बिजली विभाग के डिवीजन दफ्तर वर्कशॉप में भीषण आग लगी है। कोटा के पीछे स्थित ये वर्कशॉप में सैकड़ों की तादाद पर ट्रांसफार्मर होते हैं। समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की आशंका है या कोई लापरवाही बरती गई है जिस वजह से इतनी भीषण आग लगी है। उनसे लगी हुई रिहायशी कॉलोनियां हैं। मैं समझता हूं कि विभाग या जानबूझकर इस आग किसी चीज को दबाने के लिए इस आग को लगाया गया है या किस कारण क्या है इसके पता लगाने की आवश्यकता है। और लापरवाही हुई है तो जो लोग दोषी हैं उस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। आजू बाजू लोगों की जान जाने की स्थिति बनी हुई है। आग भीषण है। जब एक ट्रांसफार्मर जला तो उसके साथ वहां सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर है उनमें भी आग लगी और अभी तक व्यवस्था सुधरी नहीं है। हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द इसकी जांच भी हो।